फिल्मी अंदाज में शिक्षक ने रचा अपनी ही मौत का झूठा नाटक, किया था छात्रा के साथ दुष्कर्म, पिता ने दी मुखाग्नि, बनवाया झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र। दुष्कर्म मामले में सजा से बचने के लिए शिक्षक ने अपनी ही मौत की झूठी कहानी बनाई। पिता ने बकायदा बेटे की झूठी मौत को सच दिखाने के लिए उसे कफन पहनाया, फिर लकड़ी का चिता तैयार किया, उसके बाद शिक्षक को चिता पर लिटाया गया, फिर आंखें बंद की गई और दाह संस्कार के लिए खुद आरोपी के पिता ने कफन का लबादा ओढ़ लिया। मुखाग्नि देने के लिए सारी सामग्री भी उपलब्ध थी, पलीथी में आग भी लगाई गई और तरह तरह के पोज में फोटो सेशन हुआ। यह कोई फिल्मी शूटिंग से कम नहीं था। इतना नाटक सिर्फ एक छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में सजा से बचने के लिए किया जा रहा था। बकायदा कहलगांव के शमशान घाट स्थित एक लकड़ी के गोले से लकड़ी की खरीद वाली रसीद भी बनवा ली गई। उसी रसीद के सहारे मृत्यु प्रमाण पत्र भी तैयार हो गया और विशेष पॉक्सो न्यायालय शपथ पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र को उनके पिताजी ने नाटकीय रूप से बनाए अंतिम संस्कार के समय के फोटो के साथ दाखिल कर दिया। यह सब उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पास पहुंचते ही फाइल बंद कर दी गई। सब कुछ सामान्य तरीके से मुकाम तक पहुंच गया, लेकिन पिता की इस करतूत का भंडार दुष्कर्म पीड़ित छात्रा की मां ने फोड़ डाला। तभी से इस कहानी का रूप ही बदल गया। चार साल पहले 14 अक्टूबर 2018 में ईशीपुर बाराहाट के मथुरा सीमानपुर का रहने वाला राजा राम मोदी का पुत्र नीरज मोदी, जो पेशे से शिक्षक है, ने एक छात्रा से जबरन दुष्कर्म किया। छात्रा से दुष्कर्म के दर्ज मुकदमे में आरोपी शिक्षक नीरज मोदी के पिता राजाराम मोदी उर्फ राजू मोदी ने बेटे को सजा से बचाने के लिए उसकी मौत की झूठी कहानी गढ़ी थी और दाह संस्कार करते हुए खुद कफन पहनकर फोटो खिंचाकर और नकली मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर कोर्ट में पेश किया था ताकि केस बंद हो सके, और ऐसा ही हुआ। सारे फोटोग्राफ एवं जाली मृत्यु प्रमाण पत्र न्यायालय में सौंपा गया और यह केस वहीं पर बंद हो गया। साल बीतते गए, इधर पीड़िता की मां को कहीं से भनक लगी कि नीरज मोदी जिंदा है और उन्होंने सबूत जुटाना शुरू कर दिया। फिर पुलिस को सारी बातें बताई गई। पुलिस ने आरोपी के पिता पर दबाव बनाना शुरू किया। अंत में चार साल बाद मरे हुए आरोपी को जिंदा पाया गया। उसी बाबत आज आरोपी ने चोरी चुपके आकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। छात्रा से दुष्कर्म मामले में सजा से बचने का मौत की कहानी गढ़ने वाले शिक्षक ने आज आत्मसमर्पण तो कर दिया, लेकिन फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी कई प्रश्न चिन्ह उठे। 21 मई को वीडियो के निर्देश पर नीरज मोदी के पिता राजा राम मोदी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया और मृत्यु प्रमाण पत्र रद्द किया गया। आपको बताते चले कि पिता ने 27 फरवरी 2022 को नीरज की फर्जी मौत की जानकारी देते हुए 19 अप्रैल 2022 को मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करा लिया था। प्रशासनिक अधिकारियों की जब जांच शुरू हुई तो नीरज की मौत की बात गलत साबित हुई। उसकी तरफ से इकट्ठा किए गए साक्ष्य भी गलत साबित हुए। गांव वालों और नीरज के रिश्तेदारों ने भी खुले तौर पर कहा कि नीरज मोदी की मृत्यु की बात सरासर गलत है। आरोपी नीरज मोदी के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के रद्द होने की विधिवत जानकारी के बाद विशेष पॉक्सो न्यायाधीश लवकुश कुमार ने ईशीपुर बाराहाट थाना अध्यक्ष से आरोपी के जीवित रहने या मृत्यु हो जाने संबंधित रिपोर्ट 23 जुलाई को मांगी थी। इस मामले में ईशीपुर थाना के थाना अध्यक्ष ने मामले में जानकारी देने के बजाय चुप्पी साध ली थी। वहीं न्यायाधीश ने मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए प्रतिवेदन नहीं सौंपने पर थाना अध्यक्ष को न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने को लेकर नोटिस भी जारी किया था और 7 सितंबर को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होकर अपनी पक्ष रखने की भी बात कही गई थी। वहीं साक्ष्य से यह प्रमाणित हुआ कि नीरज मोदी और उनके पिता राजा राम मोदी ने फिल्मी अंदाज में अपनी ही मौत का झूठा नाटक रचा था। यह नाटक रचने का सिर्फ एक ही मकसद था, छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले से सजा से बचना। अंततः गलत का परिणाम गलत ही होता है। आरोपी ने आज खुद जाकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजू मुर्मू। किस पंचायत से है, किस पद पे है? राजगांव राजी पंचायत। किस पद पे हैं? सरपंच। आप कुछ दिन पहले आपके पंचायत में नीरज मोदी नाम करके उसके द्वारा किसी लड़की के साथ या छात्रा के साथ रेप का मामला दर्ज हुआ था, फिर कुछ देर के बाद पता चलता है कि वो डेथ कर गए हैं, इसके बारे में बताएं, क्या जानकारी है आपको? इसके बारे में कुछ हमको मालूम नहीं। क्या वो नीरज मोदी मर गए हैं या फिर जिंदा है? ये भी मालूम नहीं। हल्ला हो गया था कि मर गया है, लेकिन पता नहीं है हमको।
कोरोना काल में मालूम था कि नीरज मोदी मर गया, लेकिन पता नहीं है कि मर गया है कि क्या हुआ, मुझे पता नहीं। कहीं बताया जा रहा है कि सरपंच के बिना लेटर पैड के द्वारा जारी नहीं किए जाते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र, तो क्या आपने कभी ऐसा अपनी डायरी से लेटर पैड के माध्यम से साबित किए थे कि वो मर गया है, फिर मृत्यु हो गया है? फिर नहीं, मैं अपने लेटर पर से कोई साबित नहीं करता, मैं उसको नहीं लिख के भी नहीं दिया। वो नीरज मोदी का मामला है क्या कि एक जो केस हुआ था नीरज मोदी के खिलाफ में 2020 में 376 का केस था, धर्मेंद्र जो है उस केस का सूचक था, वो केस किया कि उसके लड़की के साथ जो है ज़बरदस्ती बलात्कार किया, वो सारा गवाह हो जाने के बाद सिर्फ डॉक्टर ही उस केस में वो गवाही के लिए बचा हुआ था। ये उसके फादर क्या क्या वो केस से बचने के लिए वो जो झूठा एक शपथ पत्र जो है उसका फादर जो है कि नीरज मोदी जो इस केस का अभियुक्त था वो केस से बचने के लिए कि वो मृत्यु हो गया, ये ऐसा केस का मृत्यु का प्रमाण पत्र ला करके के बिहार सरकार के ग्राम पंचायत के द्वारा ला करके कोर्ट में दाखिल किया। जब कोर्ट में दाखिल कर दिया नीरज कुमार मोदी को तो नेचुरली है केस को वो बंद कर दिया गया। उसके बाद थाना अध्यक्ष ईसापुरी बाराहाट द्वारा फिर प्रतिवेदन दे करके निवेदन किया गया कि नहीं, नीरज मोदी जो है वो जिंदा है, और वो जिंदा करके नीरज मोदी के तब उसके बाद फिर से केस को खोला गया, और जो नीरज मोदी के जो फादर था उसके बाद जो है उस पर 420 का केस मुकदमा दायर किया। जब केस का मुकदमा दायर कर दिया उसके बाद तो यहाँ आकर के जब कोई उपाय नहीं देखा तो नीरज मोदी 17 को कल जो है आ करके 17/10/22 को आ करके के केस में सरेंडर किया आ करके। अब केस को फिर रिपनो हो गया कोर्ट के द्वारा, लवकुश कुमार जो है 7th ADJ में ये केस चल रहा है। ये हमको डायरेक्शन, हम विशेष लोक अभियोजक इस केस के हैं, उसको हमको डायरेक्शन दिया गया, सिर्फ एक ही है डॉक्टर, जो कि डॉक्टर 3/11 को हमको कहा गया है कि डॉक्टर को ला करके इस केस को क्या दिया। आज इस केस से निश्चित रूप से नीरज मोदी को है 376 केस के 4 POXO Act के अंतर्गत सजा होगा। मेरा नाम नरेश प्रसाद राम है, हम 7th ADJ में विशेष लोक अभियोजक POXO Act का है।